अनुपमा को किया शेफ कंपटीशन से रिजेक्ट। जी हाँ वेल दोस्तों, आने वाला एपिसोड आपको अनुपमा का बहुत ही अमेजिंग और ट्विस्ट वाला देखने को मिलेगा। और वहीं एक तरफ आपको अपकमिंग एपिसोड की तरह देखने को मिलेगा कि फाइनली अनुपमा को कर दिया है रिजेक्ट शेफ कंपटीशन से। जी हाँ दोस्तों, हुआ कुछ है यानी कि अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि फाइनली अभी अभी कुछ देर पहले एक प्रोमो आउट हुआ था और फाइनली उस प्रोमो में दिखाया गया है कि फाइनली अनुपमा एंटर करती है शेफ कंपटीशन के अंदर। तो वहीं जब वो अपना टूटा हुआ हाथ लेके उसके अंदर जाती है तो फाइनली जो भी वहाँ के शेफ कंपटीशन के जज होते हैं वो बोलते हैं कि तुम ऐसी हालत में तुम ये पार कैसे कर पाओगी। तो वहीं एक तरफ अनुपमा बोलती है कि मैं पार कर लूँगी, मेरा एक हाथ टूटा है, दूसरा हाथ तो मेरा ठीक है ना, मैं दूसरे हाथ से सब चीज़ बना लूँगी और मैं ये चीज़ करके दिखा दूँगी। जी हाँ, तो वहीं एक तरफ शेफ कॉम्पिटिशन के जज बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये रूल्स के सब खिलाफ है, ये रूल्स के खिलाफ है, आपको दोनों हाथ से खाना बनाना पड़ेगा और सभी जज का दिल जीतना पड़ेगा और आप एक हाथ टूटे हुए से ये खाना नहीं बना सकते, इट्स इम्पॉसिबल। जी हाँ, ऐसे बोलने लग जाते हैं शेफ अनुपमा को और अनुपमा का बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है। तो ही एक तरफ अनुपमा को बताने लग जाती है कि मेरा एक हाथ टूटा है लेकिन एक हाथ सही है और मैं ये दिखाना चाहती हूँ, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि वुमेन भी किसी से कम नहीं है, वो भी बहुत कुछ कर सकती है, वो आगे बढ़ेगी तो वो बहुत कुछ कर सकती है, वो भी मेल से कम नहीं है। जी हाँ, ऐसा बोलती है अनुपमा। दोस्तों अब देखना ये होगा कि अनुपमा की बातें सुनने पे जो भी जज है वो अपना डिसीजन बदलते हैं या फिर नहीं। लेकिन हाँ, आने वाला एपिसोड आपको बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलेगा अनुपमा का। वेल वैसे आपको क्या लगता है क्या होने वाला है अपकमिंग एपिसोड के अंदर, तो वो आप हमें कमेंट कर बता सकते हो। और ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। बाय बाय।